क्या चल रहा है? AMD वर्सेस इंटेल है लीसा दीदी, क्या क्या लीसा दीदी। जिसका था सबको इंतजार, इंडिया की प्राइसिंग आ चुकी है। AMD दिखाने में ना अब जो मजा है, क्या प्राइसिंग आई है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको विरासत में मिलेंगी, क्योंकि जो हमारी लीसा दीदी हैं उन्होंने किया है धमाका। मतलब प्राइसिंग हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे जाना है, सिस्टम अपग्रेड करना है, CPU की प्राइसेस कहां से कहां आ गए। 1080 Ti, अरे धूल चाट रहा है। कोई बात नहीं, आई फील यू 1080 Ti। ऐसा नहीं है कि इंटेल बुरा हो गया है, नहीं, इंटेल अच्छा है, इंटेल अपनी जगह अच्छा है। अब इंडिया की जो प्राइसिंग आई है ना, बड़ी प्यारी प्राइसिंग है। प्राइसिंग के और अगर बात करी जाए तो बेसिकली ये सेलर टू सेलर डिपेंड करेगा, वो आपसे कितना चार्ज करते हैं, क्योंकि चचा स्टॉक नाम की भी चीज होती है ना। तो राइजन 5 5600X जो है उसकी प्राइसिंग है 22,990, राइजन 9 5900X की प्राइसिंग है 41,990। 18% अगर आप इसमें GST लगा लें। अब AMD ने प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, वो है 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे, वहीं इंटेल अभी भी 14 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे स्ट्रगल कर रहा है। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि इंटेल खराब है, बस इंटेल के भाव थोड़े ज्यादा है। और सबसे पावरफुल और दमदार जो इनका CPU है, PC बना रहे हैं ना, तो राइजन 9 5950X कॉस्ट करेगा आपको 60,990। मोदी जी GST ली सारी दी, इतनी अच्छी प्राइसिंग लाई मोदी जी, आप कुछ करिए ना। अगर जस्ट चाह रहे हैं कि एंट्री लेवल चीजें मिल जाए, एक एंट्री लेवल गेमिंग PC अच्छा खासा बना लूं, राइजन 5 5600 जो कि आ रहा है 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ में, पीक क्लॉक स्पीड है 4.6 GHz की, गेम्स तो क्या चलेंगे। अब बजट के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया अपना CPU, अरे बताइए। अगर आपके पास में 500 सीरीज का मदरबोर्ड है, B550 या फिर X570 या 400 सीरीज का मदरबोर्ड है तो काम बन जाएगा। बट 400 सीरीज में भी आपको वेट करना पड़ेगा जनवरी तक, जहां पे इनकी BIOS अपडेट आएगी। अब लीसा दीदी को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छा तेज प्रोसेसर चाहिए, अरे ये लो यार। कोई नहीं बात कर रहा 11th जनरेशन के बारे में, कौन इंटेल है, इंटेल एग्जिस्ट। जब सारी चीजें इतनी अच्छी अच्छी होने लगती है तो मन में तो सवाल आता ही है, ये चिप्स इतनी तेज क्यों है। तभी CPU पहले बने थे वो Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे, ये Zen 3 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। अब Zen 2 आर्किटेक्चर में जो कोर कॉम्प्लेक्सेस थे वो बेसिकली दो सेक्शन में बेस्ड था। 32 MB की कैश है तो 16 MB की कैश इधर, 16 MB की कैश इधर, वो 4 से बात कर रहा है, ये 4 से बात कर रहा है। अब Zen 3 आर्किटेक्चर में बेसिकली AMD ने क्या किया, वो 32 MB की जो कैश है अब वो सीधे अपने कोर कॉम्प्लेक्सेस से बात कर रही है। अब लेटेंसी नहीं तो परफॉर्मेंस अच्छी। अब Zen 3 आर्किटेक्चर में बेसिकली जो इन्फिनिटी फैब्रिक है उसमें लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं ना कि लोग ऐसे जेब से पैसे निकालते हैं, इन्फिनिटी फैब्रिक, अरे ये ले यार। अब इन्फिनिटी फैब्रिक जो है वो डेटा फ्लो को बेसिकली मैनेज करता है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है, डाई से सॉकेट में, सॉकेट से बोर्ड लेवल पे। तो चलती रहेंगी, मेन चीज आ जाती है इसकी परफॉर्मेंस पे। इंटेल तो वहां पीछे छूट गया। गेमिंग के लिए अगर देखा जाए ना तो सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस जो होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, और यहीं पर अभी तक Zen 2 आर्किटेक्चर के साथ में AMD जो है वो लैग कर रहा था, मैं भुगत रहा हूँ अभी भी। मल्टी कोर परफॉर्मेंस जो है वो मैटर जरूर करती है, बट सिंगल कोर ज्यादा। Cinebench R20 सिंगल थ्रेडेड बेंचमार्क स्कोर जो है i9-10900 के नीचे गांव मुंह छुपा रहा है 520 के साथ में। Ryzen 9 3950X टॉप कर रहा है i9-10900 के, इतना भी नीचे नहीं है, बट हाँ नीचे तो है जब तक हमारे काम की बात नहीं हो। Adobe प्रीमियर प्रो यहाँ पर भी Ryzen 9 5900X बाजी मार चुका है। अब आ जाती है इनकी TDP 105 वॉट ये लोग यूज करने वाले हैं, नए प्रोसेसर है। CPU जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है भाई, हर चीज की वैल्यू होनी चाहिए पैसा जब खर्चा हो। स्वीट स्पॉट पे है Ryzen 9 5900X, तो Ryzen 9 5900X जो है वो 30 वॉट कम ले रहा है i9-10900 के। इंटेल इतना बुरा भी नहीं है, बट वही है कि वो कमबैक नहीं कर पा रहा है, कम्पीट नहीं कर पा रहा है इन केस ऑफ प्राइसिंग। अफोर्डेबल प्राइसिंग में भरपूर आनंद आपको मिलेगा, आप तैयार है नया PC बिल्ड के लिए, तो बस ये सोचना। आज की वीडियो में बस इतना ही, होप यू लाइक इट। और अगर ये वीडियो पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और लीजा दीदी को आप थैंक यू बोल दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।